हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल वेलकम टू गुरुकुल एंड दिस इज राधिका गुप्ता आशा करूंगी आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं जहां हम मौजूद मानव के अंदर जो अलग अलग उत्तक होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे लास्ट क्लास में हमने टिश्यूज के ऊपर कुछ चीजें पढ़ भी ली थी कि किस प्रकार से हमारे दो तो मुख्य उतक उत जिन्हें नर्वस टिश्यू या एपिथिलियल टिश्यू कहा जाता है और आज इसके आगे के पार्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे तो जल्दी से एक बार बता देंगे सभी को ऑडियो वीडियो भाई बढ़िया तरीके से आ रहा है सबको दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है गुड मॉर्निंग राम राम और इसी के साथ अपने हर भाई बंधु दोस्त यार तक क्लास को पहुंचा देंगे शेयर कर देंगे ताकि हर उन सभी दोस्तों तक साथियों तक आपकी ये क्लास जरूर से पहुंच जाए जो चाहते हैं कि मैम हमारा थ्योरी वाला पोर्शन किसी भी प्रकार से मिस नहीं होना चाहिए थ्योरी में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप सभी देख रहे हैं कि आपके ए हो आरपीएफ हो या आने वाले आपके एन के पेपर में हो हर प्रकार से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो चीजें हम यहाँ थ्योरी के साथ क्वेश्चन के साथ कवर कर रहे हैं तो भाई सभी तैयार हो और एक बार एक थम्सअप का साइन और भेज दो कि मैम हमने ना पिछले वाली क्लास का रिवीजन कर लिया था कि जो आपने बताया था कि कैसे हमारे उपकला उत्तक पाए जाते हैं या हमारे नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं उनके टाइप्स हमें यहां पर क्लियर है जो आ गए हैं सभी को बहुत-बहुत स्वागत है चलिए तो क्लियर था तो एक जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि देखो हम लोगों ने चार मेन भाग के बारे में डिस्कशन किया था जिसमें सबसे पहला भाग आता है उपकला ऊतक उपकला मतलब जो एक बेसमेंट बना रहा है मतलब मैं ये कह सकती हूँ इस वाले टिश्यू को देख करके भाई देखो इसमें कोई भी अंत कोशिकीय स्थान यानी कि इंटरसेल्युलर स्पेस मौजूद नहीं है इसको उपकला क्यों कहते हैं क्योंकि मान लीजिए मैम ये हमारी कोई भी ऑर्गन की लेयर है इसके ऊपर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमारे टिश्यूज लगे हुए होते हैं वो आपके उपकला के नाम से जाने जाते हैं पहली चीज ठीक है फेस ट्वेल्व के लिए बिल्कुल कर सकते हो देखो एक चीज है कि जब हम टिश्यूज की या थ्योरी की जब बायो पे बात करते हैं ना तो थ्योरी में काफी चीजें आपकी समान रहती हैं। तो आप अगर एसएससी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं आपके लिए तब भी हेल्पफुल रहेगा आप अगर रेलवे का देने जा रहे हो तो भी हेल्पफुल रहेगा ठीक है ये टॉपिक जो है वो आपका वो आपका यहाँ पर पूरी तरह से क्या है डिटेल में है तो सबसे पहला भाग हमने कहा है आपका एपिथेलियल टिश्यू दूसरा हमने नर्वस टिश्यू पढ़ा था जो कि कहाँ पाया जाता है आपके ब्रेन के अंदर यानी कि मस्तिष्क में पाया जाता है अब बात आती है कनेक्टिव टिश्यू की या मस्कुलर टिश्यू की ठीक मस्कुलर टिश्यू यानी कि मांसपेशी से बने हुए उत्तक तो सबसे पहले इसी टॉपिक से जरा शुरुआत करते हैं कि क्या क्या हमारे अलग अलग मांसपेशी से बने हुए उत्तक जो है वो नजर आते हैं जिसमें सबसे पहले हम देखिए तीन भागों की बात करेंगे मसल सेल्स यानी कि मांसपेशी से बने हुए उत्तक मसल्स के अंदर भी मैम हमारे जो फंक्शनिंग होती है आप कहते हो कि दिल धड़क रहा है मुझे एक बार जल्दी से बताओ कि क्या आपके हार्ट के अंदर मांसपेशी है या कोई हड्डी पाई जाती है मतलब इस क्वेश्चन को अब तो गलत नहीं करेंगे पिछले क्लास का पीडीएफ पीडीएफ मिस्टर एम गेमिंग आपको PDF जो है वो गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा ठीक है क्लास के बाद मैं आपका पूरा पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी एप पर क्लास चल रहा है रोज सुबह नौ बजे तो एक बात बताओ हृदय के अंदर क्या पाया जाता है मैम सारे के सारे हमारे मसल्स जो है वो पाए जाते हैं हृदय में कोई हड्डी तो है नहीं पूरा जो आपका भाग है जिसे आप ह्यूमन हार्ट कहते हो वो किससे मिलकर के बना हुआ है वो बना हुआ है आपके मुख्य तौर पे मांसपेशी से तो कोई ना कोई तो ऐसी मांसपेशी होगी जो उसका कार्य को नियंत्रित कर रही है और जब हम मसल्स की बात करते हैं ना तो तीन प्रकार की मुख्य मांसपेशियां जो है वो आपकी पाई जाती हैं मसल सेल जिन्हें हम कहते हैं ये अलग अलग प्रकार से पहला भाग आता है जिसमें हम हृदय की मांसपेशी के बने हुए उत्तक को देखते हैं यानी कि कार्डियक मसल्स को कहा जाता है बिल्कुल सही दूसरा भाग जो आता है वो आता है स्केलेटल मसल्स का जो आपकी पेशी मांसपेशी दिखाई देती है उसके अंदर हम बात करते हैं आपके पूरे स्केलेटन में हर हड्डी के साथ एक मांसपेशी जो है वो जुड़ी हुई है कुछ ऐसी होती है जो हमारी अंदर की गुहाओं में मौजूद होती है जिन्हें हम स्मूथ मसल का नाम देते हैं चिकनी मांसपेशी का नाम यहाँ पर दिया जाता है ठीक है तो ये तीन मुख्य भाग हैं जो कि आपके किसके बन जाते हैं मांसपेशी से बने हुए मस्क्युलर टिश्यू के बारे में अगर हम बात करें उससे मिलकर बने होते हैं लेकिन इन तीनों में अंतर क्या है ये तीन आपको अलग अलग देखिए डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ठीक है देखो जरा ध्यान से पहले वाले डायग्राम की बात करते हैं जिसे कहते हैं स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू चीजें सभी को यहाँ पर जो भी डिटेल आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं मैं पीडीएफ बाद में भी आपको अपलोड करवा दूंगी लेकिन पहले समझने का काम कर लो पहले समझ लो ये जो तुम इधर उधर के कॉमेंट्स में लगे रहते हो ठीक है चलो आज शाम को रेलवे की एक अनाउंसमेंट होगी रात को साढ़े आठ बजे आप लोग के लिए रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर इसी चैनल पर रेलवे के लिए कुछ बहुत ही खास आ रहा है और वो खास मतलब आप में से किसी को भी जितनी भी परेशानी आप तक बनी हुई थी ना उन सारी परेशानियों का एक निवारण होगा तो आप सभी रात को साढ़े बजे रेलवे की अनाउंसमेंट में रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर जरूर से जुड़ें ठीक है अब चलो इधर ध्यान दे लो जिन्होंने क्लास को पहुंचाया नहीं है शेयर नहीं किया एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे जितने लोग आज ईमानदारी से चाहते हैं कि मैम 2024 हमारा होना चाहिए इस साल सरकारी नौकरी हमारी लगनी चाहिए मतलब अब बार बार के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है कि एक अटेम्प्ट छोड़ दिया दूसरा कर लेंगे तीसरा कर लेंगे कब तक फंसे रहोगे यार कब तक माँ बाप को निराश करते रहोगे अपने सिर्फ उनकी खातिर इस वर्ष जो भी चाहता है ना कि ये 2024 मेरे लिए सिलेक्शन वाला वर्दी वाला होना चाहिए तो एक थम्सअप का साइन जल्दी से फटाफट से शेयर कर देंगे और इधर ध्यान देंगे ठीक है आपकी साइंस फाउंडेशन अच्छा जल्दी करेंगे उसको आकाश फिलहाल के लिए अभी आपका जो साइंस है वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो ऑल राइट तो सबसे पहले हमने देखा स्केलेटल मसल टिश्यू एक बार जल्दी से बताओ पूरे बॉडी में कितनी हड्डियां उपस्थित होती है मानव के शरीर में कुल मिलाकर कितनी हड्डियां उपस्थित यहाँ पर होती है चलिए बहुत अच्छे अब आपने कह ही दिया है कि मैम 206 हड्डी हैं तो इन 206 हड्डियों के साथ में भी तो कोई मांसपेशी जुड़ी होगी खाली तो नहीं होगी ना ये इसके साथ जो मांसपेशी जुड़ी होती है वहां उपस्थित होते हैं हमारे स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर एक दो तीन चार पांच मतलब मुझे ना बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं एक टिश्यू के अंदर काफी सारे न्यूक्लियस हैं तो हम इन्हें कह सकते हैं आर मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे हैं ये बहु केंद्रक इनके अंदर उपस्थित होता है जरा इस अंतर को जरा यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार का जो डायग्राम है वो इनका दिखाई देता है देखो भाई ठीक है कुछ इस प्रकार का ये डायग्राम इनका नजर आता है मतलब मेरे को यहाँ पर क्या पता चल रहा है बीच बीच में बहुत सारे लाइट और डार्क बैंड्स भी नजर आ रहे हैं और छोटे छोटे से केंद्रक भी यहाँ पर क्या हो रहे हैं दिखाई दे रहे हैं तो एक नहीं दो नहीं बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं स्केलेटल में क्या है मैम फाइबर से बना हुआ है स्ट्रेटेड मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ना कुछ ऐसे पैटर्न बने होंगे कुछ इस टाइप से पैटर्न आपको दिखाई देते हैं ठीक है साथ में क्या है ये मल्टी न्यूक्टेड आपको दिख रहे हैं मतलब केंद्रक एक नहीं है मैम बहुत सारे केंद्रक यहाँ पर उपस्थित है अगली बात बात करेंगे कि ये वॉलंट्री मस्क्यूलर आपकी देखी जाती दे है वॉल्ट्री मतलब क्या होता है वॉलेंट्री मतलब होता है जो हमारे इच्छा से कार्य करे जो स्वेच्छा जिसे हम ऐच्छिक कार्य कहते हैं हमारी मर्जी से वो कार्य यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है और इसी के साथ ये किससे जुड़े होते हैं ये स्केलेटन से जुड़े होते हैं मतलब पूरी की पूरी जो आपकी बॉडी में हड्डियां हैं उन सभी से जुड़े हुए नजर आते हैं पहला पॉइंट इसे कहेंगे स्केलेटल टिश्यू दूसरी बात आती है इसका दूसरा भाग जिसे हम कहते हैं वो नॉन स्ट्राइटेड नजर आता है और ये भी कुछ रेशो से मिलकर के बना होता है जिसे कहा जाता है स्मूथ मसल या चिकनी मांसपेशी चिकनी पेशी जिन्हें कहा जाता है ये आपकी सबसे बड़ा एक डिफरेंस क्या टिश्यू के बारे में आपकी तो होती है चलता यहाँ पर ठीक है आपकी मर्जी से काम नहीं चलता आपकी बॉडी में जितनी भी अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं आंतरिक अंग हैं उनको कवर करने का काम ये टिश्यू करता है ये टिश्यू इंटरनल ऑर्गन्स को काम कवर करने वाला जो है देखा जाता है अगला जो कार्डियक मसल आता है यहाँ पर कुछ शाखाएं भी होती हैं न्यूक्लियस एक ही पाया जाता है जैसे न्यूक्लियस हमारा स्मूथ मसल में होता है और इसी प्रकार से आपके ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं तो सवाल क्या आएगा सुन लो जरा ये क्वेश्चन तुम्हारे पीएचडी में नीट में नहीं आने वाला ये आएगा तुम्हारे रेलवे के अंदर कि कौन सी मांसपेशी स्वैच्छिक कार्य कर रही है वॉलेंट्री फंक्शन कर रही है आप बताएंगे स्केलेटल मसल है मैम मैं चाहता हूँ मेरा हाथ जो है वो आसानी से मुड़ जाए फोल्ड हो जाए तो आपकी इच्छा थी तभी तो ये कार्य हुआ तुम्हारी इच्छा है कि बॉडी के अंदर जो आते हैं वो सिकुड़ जाए क्या तुम अपनी मर्जी से उनको किसी भी तरह से चेंज कर सकते हो नहीं कर सकते तो आंतरिक अंग में जो मांसपेशी है वो आपकी इच्छा से से काम नहीं करती इसी प्रकार हृदय में जो मांसपेशी है वो तुम्हारी इच्छा से काम नहीं करती तुम चाह रहे हो कि आज दिल जो है आज जो हार्ट है ना वो थोड़ा और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए क्या हो सकता है जल्दी से बताओ मेरे को एक बार क्या हो सकता है क्या किसी का हुआ है कि मैम मैं चाह रहा था कि मेरे पेट में ना जो आते हैं वो और थोड़ी सी सिकुड़ जाए वो और थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए रिलैक्स हो जाए हो सकती है नहीं हो सकती इसीलिए कहा जाता है कि ये दोनों क्या है अनैच्छिक है लेकिन आपकी जितनी भी स्केलेटल मसल्स होती है वो ऐच्छिक कार्य करती हैं कहाँ है आपके स्केलेटन के साथ जुड़ी हुई होती हैं ये हिंदी में भी आप देख सकते हैं ये रेखित पेशी है जिसके अंदर रेखाएं जो हैं वो बीच बीच में धारियां आपकी इस प्रकार से पाई जाती है और केंद्रक इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है पहली चीज रेखित पेशी प्राय अस्थियों से जुड़ी होती है ऐच्छिक पेशी होती है इसमें गहरे और हल्के रंग की पट्टियां होती है इसलिए इन्हें रेखित कहा जाता है

पहला पॉइंट क्लियर हुआ तो ये क्या कहलाई हमारी सभी रेखित पेशी कहलाई जिसको हमने कहा था स्केलेटल मसल दूसरा भाग आता है चिकनी मांसपेशी का यानी कि स्मूथ मसल का स्मूथ मसल में मुख्य तौर पे आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पर उपस्थित है देखिए जि जितनी भी चिकनी मांसपेशी हैं आप अपनी आंखों की जो पलक होती हैं उनके अंदर देख सकते हैं साथ में हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में होती है तो जो मूत्रवाहिनी है जो यूरिन को लेकर के जा रही है उसके अंदर भी क्या है ये उपस्थित होती है आंख की पलक में मूत्रवाहिनी में फेफड़ों की श्वसनी जितनी भी आपकी एयर को लेकर जाने वाले ब्रोंकियोल्स होते हैं वहां पर ये पाई जाती है ठीक है अगला आता है अनैच्छिक पेशी होती है और गहरे और हल्के रंग की पट्टियां इसके अंदर नहीं पाई जाती इसीलिए ये वाली क्या थी क्योंकि यहां पर पट्टियां थी तो हम इसको रेखित कह रहे थे और यहां पर पट्टियां नहीं है तो हम इसको अरेखित का नाम देते हैं क्या नाम देते हैं अरेखित भी इसको यहाँ पर कहा जाता है या चिकनी मांसपेशी है किसी प्रकार से कोई पट्टी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है जल्दी से बताइए बात क्लियर हुई कि नहीं हुई एनिमल किंगडम के नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए ठीक है विनय मैं आपके आज ही एनिमल किंगडम के नोट्स टेलीग्राम पर अपलोड करवा दूंगी अगला क्या है ये लंबी है एक केंद्र इनके पास एक ही केंद्रक पाया जाता है और सिरे से नुकीली जिन्हें आप कहते हो स्पिंडल शेप्ड होती हैं तो ये आपके क्या है देखो सिरे से जो निकली हुई होगी ना इसका एक सिरा जो निकला हुआ होगा वो कुछ ऐसे निकला हुआ होगा तो ये से आप कह सकते हो कि इसका हेड क्या है नुकीला सा नजर आ रहा है कुछ इस प्रकार से दोनों तरफ से जो भी इसका हेड आएगा वो कैसा होता है नुकीला सा नजर आता है तो कह सकते हैं सिरे से नुकीली है तुर्क रूपी स्पिंडल शेप की यहाँ पर ये देखी जाती है तो पहला भाग हमने किसका देखा पेशी उत्तक का रेखित उत्तक का ये दोनों हमारे अलग अलग नजर आए तीसरा आता है हृदय के अंदर जो हृदय की कार्डियक मांसपेशी पाई जाती है कार्डियक वाली सीधे बात आ रही है कार्डियक की तो कहां होगी भैया हार्ट के अंदर ही उपस्थित होगी ठीक है ये हार्ट में है ये इंटरनल ऑर्गन में है और तीसरी वाली आपके स्केलेटन से आपके हड्डियों से जुड़ी हुई नजर आती है पहली चीज दूसरी हम यहाँ पर कह सकते हैं ये अनैच्छिक पेशी होती है गहरे और हल्के रंग की पट्टियां यहाँ पर नहीं है सिंपली आपको एक इस प्रकार से शाखाएं जो है वो निकलती हुई नजर आ रही है बेलनाकार है और एक केंद्रक इनके अंदर पाया जाता है तो ये तीन मुख्य डिफरेंस हमने किसके अंदर देखे कार्डियक स्केलेटल और स्मूथ मसल के अंदर कोई समस्या है तो जल्दी से एक बार बताओ यहाँ पर क्यों भाई एक बार फटाफट से बताइए मस्कुलर टिश्यू क्लियर हुआ मस्कुलर में तीन भाग आते हैं तीनों के हमने डायग्राम देखे कहाँ पाया जाता है कैसा दिखता है और क्या काम ये यह यहाँ पर कर रहा है भाई चीजें अगर क्लियर हो रही है ना तो सेशन को पहुंचा देना फटाफट से हार्ट मसल्स कार्डियक मसल्स होती है और इनके पास ऑटोरिदम की प्रॉपर्टी होती है राहुल बिल्कुल सही कह रहे हैं तो भाई ये सारी चीजें हैं आपकी जो मस्कुलर टिश्यू में आती है एक उपकला उत्तक था जो बेसमेंट में आपका उपस्थित होता है नर्वस टिश्यू ब्रेन में सिग्नल ले रहा है पहुंचा रहा है प्रोसेस कर रहा है ये हो गया अब आया मांसपेशी वाला तो हमने तीन भाग देख लिए कौन कौन से थे स्केलेटल स्मूथ और कार्डियक मसल ठीक है अगला भाग जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट भाग है जिसे कहा जाता है आपका कनेक्टिव टिश्यू कितने लोगों ने सुना है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है जल्दी से बताओ मुझे एक बार कितने लोगों ने सुना है कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है मैम नहीं दिख रहा है अच्छा लो इधर देख लो भैया तुम इतनी हरकतें क्यों करते हो कि मुझे मजबूरन तुम्हें चलिए जी हाँ अब बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में तो यहां मेन कुछ तीन चार चीजें आती हैं देखो कहीं ना कहीं ये बात तो आप सब जानते हो ना कि मैम हमारी हड्डियां हैं हमारी बॉडी में ब्लड है ये सब चीजें एक दूसरे को लिंक करने का काम कर रही हैं ये देख रहे हो कैसे हड्डियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जल्दी जल्दी से आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना मैं फिर उसके बाद आपको फटाफट से इसको नोट करा दूंगी ये हड्डियां आपस में क्या है जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं इसी प्रकार से हमारी बॉडी में जितना भी पोषक तत्व है जितना भी आप कहते हो पोषण है ये ब्लड के रास्ते पहुंचाया जाता है तो मैम ये ब्लड भी एक प्रकार से क्या कर रहा है ग्लूकोज को ले रहा है ऑक्सीजन को ले रहा है इसके अंदर कुछ सेल्स हैं कुछ प्लाज्मा है जो आगे की तरफ सूचनाओं को पहुंचाने का, का काम करते हैं ग्लूकोज को ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं भैया मदद करते हैं तो ये सारी चीजें भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या कर रही है एक संयोजी उत्तक है लगातार जब हम ब्लड के बारे में पढ़े थे कि ब्लड क्या है लिक्विड फॉर्म में है एक तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है ऐसी हड्डियां क्या है ये भी तो

उस टिश्यू को यहाँ पर क्या कहा जाता है उस टिश्यू को कहते हैं आपका कार्टिलेज यानी कि उपास्थि कभी सोचा है कि कुछ हड्डियां कुछ जोड़ तो आसानी से हाथ देख रहे हो हो मुड़ सकते सकते हैं फोल्ड हो सकते हैं ठीक है और कुछ नहीं हो पाते हैं जैसे कि आप अपने नाक की टिप पे बात करो बिल्कुल नाक के आगे टिप पर ऐसी आपके कान जहां लड़कियां इयर पहनती है बिल्कुल कान का भारी भाग ये आसानी से मुड़ सकता है यहाँ कोई हड्डी नहीं दिखाई देती तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या है यहां मांसपेशी है लेकिन नहीं यहाँ पर पाया जाता है आपका कार्टिलेज जो जिसको हम एक उत्तक कहते हैं देख सकते हो कान आसानी से कितना मुड़ सकता है क्यों भाई देख पा रहे हो कि नहीं कभी अपने कान को टच करके देखो बिल्कुल यहाँ पर टिप ऑफ द ईयर पे और ऐसी नाक की टिप पे इन दोनों जगह पर एक उपास्थि पाई जाती है तो कहीं ना कहीं ये जितने भी नाम हम सुन रहे हैं कि चाहे वो नाक के टिप पर हो इस प्रकार से देख रहे हो नाक किसी कैसे आसानी से क्या हो सकती है बेंड हो सकती है आपकी तो यहाँ पाया जाता है कार्टिलेज जिसका नाम है इलास्टिक कार्टिलेज ठीक है ये अलग अलग प्रकार के उपास्थि होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर कनेक्टन कनेक्शन बनाने का काम यहाँ पर क्या है कर रहे हैं अच्छा इसके अलावा आपके बॉडी के अंदर जितने भी ट्रैकिया है आपने कहा मैम मेरा एयर का पैसेज जाता है वहां से जो हमारा ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है ये भी प्रोसेस होता है उस ट्रैकिया में भी एक प्रकार का कार्टिलेज है वो तो नहीं मुड़ पाता ना वो तो नहीं मुड़ पाता तो इस प्रकार से कुछ अंग ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार के कार्टिलेज उपस्थित हैं जो जिन्हें इलास्टिक कहा और कहीं पर जहां फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वहां इलास्टिक की जगह हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है समझ पा रहे हो कि नहीं जल्दी से बताओ तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई देती है ये प्लास्टिक की नोज है क्या बात तुम अपनी नाक को टच करके देखो बिल्कुल ये जो टिप है ना ये आसानी से क्या हो जाएगी फोल्ड हो जाती है ये नहीं कह रहे कि कान के अंदर हड्डी है कान का बाहरी भाग ये जो बाहर का भाग है ना जिसको आउटर ईयर कहते हैं ये मुड़ जाता है, ये यहां पर मुड़ जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या होती है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आती है ये सब भाग जो आप देख रहे हो हड्डियों के बीच में मूवमेंट आसानी से कैसे हो रहा है एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़ी होती है एक हड्डी मांसपेशी से जुड़ी हुई होती है ठीक है चलो तो ये सारी चीजें हम अभी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पढ़ने वाले हैं सूरज यादव क्या हुआ देखिए आरपीएफ की वैकेंसी आ गई थी बट वो नोटिस जो था वो फेक था कल जो हमने एक डिस्कशन भी किया था आप लोगों से कि वो नोटिस जो का आया था जिसमें साठ पद थे वो आपका फेक नोटिस था रात को पी आई फैक्ट चेक के द्वारा उन्होंने चीजें अपनी स्पष्ट भी कर दी थी कि अभी तो नहीं आज जो आया है वो तो एक गलत सर्कुलर आपका फेक नोटिस है जो कि घूम रहा है दो तारीख को यानी कि दो मार्च को आप लोग के लिए ऑफिशियली आरपीएफ की जो है वो आ जाएगी वो देखने योग्य होगा कि भैया कितनी क्या वैकेंसीज रहती हैं हालांकि पोस्ट तो बहुत सारी थी बट उन्होंने दी बहुत कम संख्या में थी अगर कल तो खैर फेक था बाकी देखते हैं क्या कुछ आप लोगों के लिए दो तारीख को आने वाला है ठीक है चलो तो हमने भैया इसको जरा एक चार्ट के रास्ते बना लेना है जिसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू ठीक है कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही समझ रहे हो कि ये कनेक्ट कराने का काम करेगा इसको कहते हैं संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में एक भाग आता है जिसको हम यहां पर कहते हैं ब्लड ठीक है दूसरा भाग इसका आता है जिसे कहा जाता है बोन यानी कि एक क्या है आपकी हड्डी दूसरे क्या है रुधिर इसके अलावा जो हमारा एक तीसरा मुख्य भाग आता है उसके अंदर हम कुछ ऐसे उत्तक देखते हैं जैसे एरियोलर टिश्यू है एडिपोज टिश्यू है ये भी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं ठीक है जिसमें हम नाम देते हैं आपके एरियोलर टिश्यू का एक आता है इसी के अंदर आपका एडिपोज उत्तक तो ये सब क्या कर रहे हैं ये सब कनेक्शन बनाने में मदद कर रहे हैं हमें तीन चार चीजें हैं जो मेनली पढ़नी है बट अगर देखा जाए कि इसके ओवरऑल कितने भाग होते हैं तो भाई देखो ओवरऑल तो इसमें बहुत सारे आपको भाग जो हैं वो दिखाई देंगे कि ये हमारा कार्टिलेज ब्लड और बोन ये तीन हमारे मुख्य भाग होते हैं जो क्या काम करते हैं इसके अंदर पूरे स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना सपोर्ट करना और दूसरे टिश्यू और ऑर्गन और को भी सपोर्ट करने में ये क्या करते हैं मदद करते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ठीक है कि संयोजी ऊतक एक विभिन्न अंग को जोड़ने का कार्य करता है ठीक है दूसरा आप ये भी कह सकते हैं यहां पर कनेक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स ये है क्या कर रहा है आपके विभिन्न अंगों के साथ कनेक्शन बनाने का काम कर रहा है ब्लड के बारे में हमने पढ़ा ही था कि ब्लड क्या है एक तरल संयोजी ऊतक यहाँ पर पाया जाता है ठीक है अभी देखो अशरफ पूछ रहे हैं अशरफ अभी ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन सा कहा पाया जाता है हमने ये भी पढ़ा था कि आपके आंतरिक नलियों के अंदर एपिथीलियल टिश्यू भी पाए जाते हैं कुछ ट्यूब्स के अंदर और वहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ एपिथिलियल टिश्यू जो है उनकी कैटेगरीज हमने बताई थी आपको ठीक है चलो अब बात करेंगे इनके अलग अलग भागों में तो जैसा कि हमने ब्लड देखा ब्लड भी क्या है रुधिर भी क्या है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड को कहते हैं तरल संयोजी ऊतक आपने अगर तरल की बात करी फ्लूइड की बात करी तो हमारी बॉडी में दो प्रकार के फ्लूड काम करते हैं एक होता है रुधिर और दूसरा क्या होता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू में एक भाग हमने यहाँ पर देखा जिसको कहा फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि तरल संयोजी उतक देखो तो ये बना लेना ये टॉपिक बहुत नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ रह जाएगा फिर परेशान होगा कि मैडम अब क्या करें तरल संयोजी उत्तक में दो आते हैं एक हमारा रुधिर आता है और दूसरा आता है जिसको हम लिम्फ का नाम देते हैं आप में से कितने लोग जानते हैं कि लिम्फ क्या होता है क्यों भाई ये लिम्फ जो है ये यहाँ पर क्या होता है कितने लोग बता सकते हैं ब्लड तक तो ठीक है मैडम ठीक है आरपीएफ भर्ती के बारे में अलग से चर्चा कर लेंगे अलग से एक सेशन रख लेंगे फिलहाल जो आई थी वो फेक थी अब जो आएगी वो मैं आपको डिटेल में सारी चीजें आपको बता दूंगी यहाँ पर ठीक है कांस्टेबल के पद पे भी एसआई के पद पे भी जो जो चीजें रहेगी अब सुनो जरा यहाँ पर अगर मैं रुधिर की बात करूं तो मैम ब्लड तो हमें पता है कि ब्लड के पास प्लाज्मा भी होता है ब्लड के सेल्स भी पाए जाते हैं और ये सब आपके पोषक तत्वों को लेकर के जाते हैं मैं लिम्फ की बात करूं जिसको हम लसिका के नाम से भी जानते हैं ये जो आपका लसिका प्रणाली एक अलग से उपस्थित होती है ना इसका काम क्या होता है कि ये आपके पूरी बॉडी के अंदर जैसे ब्लड का वेस्क्युलर सिस्टम दिखाई देता है आप ऐसे ही लिम्फैटिक सिस्टम भी देखते हैं लिम्फ के कुछ नोट्स छोटे छोटे से पाए जाते हैं जो बॉडी में जितना भी वेस्ट होगा उसको निकाल बाहर फेंकने का कार्य भी करते हैं ये एक नोड एक जगह ऐसी उपस्थित होती है जहां पर आपका पोषक तत्व जो है वो पहुंचाया जा रहा है और जितना भी वेस्ट है उसको बाहर निकाला जा रहा है तो ऐसे हम प्रणाली को ऐसे द्रव्य को लिम्फ का नाम यहाँ पर देते हैं और इसका जो पूरा सिस्टम बनता है उसको लिम्फैटिक सिस्टम का नाम दिया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में कई बार आपने सुना होगा एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं हाथी पाओ सुना है भाई किसी ने एलिफेंटियासिस नाम की एक समस्या है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि एलिफेंटियासिस क्या होता है Elephantiasis या हाथी नाम से एक होता है जो काम करता है जो कि इस बीमारी को कराता है लेकिन उसमें सूजन कहाँ आती है वो सूजन आती है लिम्फ नोड्स के अंदर जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम लसी प्रणाली है इसके एक छोटे से नोड में सूजन आनी शुरू हो जाती है तो ये क्या कर रहा है एक प्रकार से आपका कनेक्शन बनाने का कार्य यहाँ पर कर रहा है ये दोनों तरल तक कहे जाते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं जल्दी से बताओ एक बार फिलेरिया बहुत बढ़िया फिलेरिया को कहा जाता है वो चेरिया बैन बहुत बढ़िया भाई इतनी कहानी क्लियर हो गई एक का साइन भेज दो तो मैं आगे बढ़ती हूँ फटाफट से बताओ ठीक है मैम इसके बाद अगला आता है जो सपोर्ट करते हैं ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो हमें क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं एक यांत्रिक आपको ढांचा जो है वो फ्रेमवर्क बनाने में मदद करते हैं उसी के अंदर सपोर्ट वाले में आपका ये जो मुख्य तौर पे जैसे आप कहते हो हड्डियां आ रही हैं ये सारी की सारी हड्डियां वहां पर आपको नजर आती हैं ठीक है एक हड्डी आती है और दूसरा कार्टिलेज का भाग यहां पर आता है जिसे हम कहते हैं उपास्थि अब हड्डी तो हमें पता है कि भैया हड्डी तो मजबूत होती है और सारी हड्डियों में क्या लगे हैं आपस में जोड़ लगे हुए हैं ठीक है 206 हड्डियों में अलग अलग प्रकार से जोड़ हैं लेकिन ये भी किससे जुड़ी हुई है ये जुड़ी हुई है आपके जोड़ों से और उसमें पाया जाता है ये कार्टिलेज ये कार्टिलेज में भी हम दो भाग देखते हैं एक भाग आता है आपके टेंडन का और दूसरा भाग आता है लिगामेंट का ठीक है अभी इन सभी के डायग्राम को एक बार देख लेते हैं ये टेंडन होते हैं और ये कहलाते हैं तुम्हारे लिगामेंट कई बार सुना है कि लिगामेंट जो है वो ब्रेक हो गया है लिगामेंट में जो रप्चर है वो हो गया है ब्रेक हो गया है कई बार सुना है कि नहीं सुना है आर के लिए कुछ स्पेशल आने वाला था आज रात साढ़े आठ बजे आपको वो स्पेशल जो है वो मिलने वाला है तो आज रात साढ़े आठ बजे जरूर से जुड़ जाना रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर ठीक है और जिन्होंने भी सेशन को शेयर नहीं किया एक बार जल्दी से पहुंचा देना फटाफट से पहली क्लास में हम दो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एपिथेलियल और आपका मस्... नर्वस टिश्यू आज मस्कुलर में पढ़ेगी भाई मांसपेशी में तीन प्रकार हैं और ऐसी कनेक्टिव के भाग जो है वो हम पढ़ रहे हैं इसमें कुछ तैयार नहीं है मैडम कुछ अलग नहीं है इसमें ठीक है कुछ अलग नहीं है कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं कि यार बॉडी में कनेक्शन बनाना है कनेक्शन बनाने वाले कनेक्टिव टिश्यू है उन्हें हमने संयोजी संयोजित कहा कुछ कनेक्शन बना रहे हैं लिक्विड के रूप में जैसे ब्लड और लिम्फ है जो कैसे पाए जाते हैं लिक्विड वाले रूप में पाए जाते हैं कुछ हैं जो आपके ढांचे को सपोर्ट कर रहे हैं आपकी पूरी बॉडी को कि कभी माना है तुमने कि हड्डियां ना हो तो क्या ये पूरी बॉडी तुम्हारी ये खड़ी हो हो सकती सकती है सीधे नहीं मैम क्योंकि हड्डियां ही हैं जो क्या कर रही हैं सपोर्ट बना रही हैं तो इसी के अंदर आते हैं हमारे कुछ उपास्थी उपास्थि में टेंडन और लिगामेंट भी आते हैं टेंडन का काम क्या होता है ये किसी बोन को किसी मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करती है बोन को मसल से ठीक है एक हड्डी को एक मांस पेशी से जोड़ने का कार्य इसका देखा जाता है हड्डी को पेशी से और लिगामेंट क्या करती है बोन को बोन को से कनेक्ट करती है ठीक है बोन को बोन से यानी कि दो हड्डियों को आपस में जोड़ती है देखिए जरा किस प्रकार से जोड़ती है कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो कि मैम हमारे बॉडी में जो कार्टिलेज होते हैं ये देखो भाई एक हड्डी और ऊपर नीचे दूसरी हड्डी इन दोनों हड्डियों के बीच में एक जोड़ दिख रहा है उसी जोड़ को हम लिगामेंट का नाम देते हैं लिगामेंट की मदद से क्या हो रहे हैं आसानी से आप आ, आसपास में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं जल्दी से बताओ समझ आ रही है कि नहीं टेंडन बोन टू मसल और लेगामेंट बोन टू बोन बिल्कुल सही ये रवीना टंडन याद आ रही है इनको मतलब चीज़ें समझनी थोड़ी है इन्हें टंडन नहीं टेंडन है वो टेंडन जो है वो बोन टू बोन उसको बोन टू मसल कनेक्ट करती है देखो कुछ इस प्रकार से आपका लेगामेंट दिख रहा है और अगर मैं आपसे बात करूँ ये देखिए एक हड्डी जुड़ी हुई है किससे मांसपेशी से तो ये हम हल्की सी त्वचा के ऊपर देख सकते हैं कि एक बोन हमारी मांसपेशी से किसके रास्ते जुड़ी है टेंडन के रास्ते जुड़ी हुई है यही चीज हमने दूसरे भाग में देखी वो हमारा लिगामेंट लाता है ये रहा एक भाग की एक हड्डी है एक मांसपेशी है इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है टेंडन यहाँ पे कर रही है सबको दिख रहा है समझ आ रहा है कि नहीं भाई जल्दी से बता दो एक बार लिगामेंट जो है कई बार ऐसा होता है कि आप ओवर एक्सरसाइज कर लेते हो, ओवर कर लेते हो तो मैम भाग है ना मेरा ये, आ रही है, ये आपकी हड्डी इधर इधर टेंडन लगा हुआ है तो ये टेंडन इनको कनेक्ट कर रहा है हड्डी और मांसपेशी में कोई तो संबंध बनाएगा ना वो क्या कर रहा है इस पूरे ढांचे को सपोर्ट कर रहा है तो हड्डियां तो है ही जिनमें आपस में ज्वाइंट लगे हुए हैं लेकिन ये वाले भाग भी आपके उपास्थि के अंदर आ जाते हैं क्लियर है सबको अब तो किसी को मन में कोई डाउट नहीं है भैया एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी होगी तो यहां पे हम क्या लगा देंगे लिगामेंट लगा देंगे ठीक है चलिए अगला भाग, भाग जो है उसे पढ़ लेते हैं कि मैम ये सब चीजें तो हमें समझ में आ गई अब आता है वो भाग जिसमें आपने कहा कि हमारा जो कार्टिलेज जो है ना कि कार्टिलेज वाला जो हम बात कर रहे हैं ये कार्टिलेज दो अलग अलग रूपों में और बटा होता है जिसमें मैंने कहा कि एक नाक के टिप पे और एक कान पे पाया जाएगा वो इलास्टिक कार्टिलेज होता है तो कार्टिलेज के अंदर मेनली हम कहते हैं बहुत ज्यादा स्पेस दिखाई देता है सेल्स के बीच में दूसरा जो सॉलिड मेट्रिक्स मतलब आपने कहा कार्टिलेज है

क्लियर ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपकी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा ये प्रोटीन और शर्करा से मिलकर के उपापचयी जो है वो आपकी बनी हुई नजर आती है तो भैया हमने इतना भाग जो है वो पढ़ लिया है ये उपापचयी रही ये किससे मिलकर के बनी है प्रोटीन व शर्करा से ठीक है इसके उदाहरण हमने कहां देखा एग्जांपल में आप लिख सकते हो नाक कान श्वसन नलिका ठीक है इन सभी के अंदर ही आपकी उपस्थित होती है कोई समस्या किसी को मैम आपको बैच लेकर आओ ना मंजेश यादव बैच तो ऑलरेडी चल रहा है आपका रेलवे का साइंस स्पेशल बैच चल रहा है जिसमें रेलवे के हर एग्जाम की तैयारी आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर कराई जा रही है रेलवे में पूरी साइंस जो है वो आप वहां से कवर कर सकते हो ठीक है चलिए तो यहां तक मैम एक पार्ट दूसरा पार्ट अब एक और भाग आता है देखो आप मानते हो ना कि आप मोटे हो जाते हो जब फैट की लेयर बन जाती है कोई मोटापा अगर कह रहा है कि भाई आपके अंदर बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ रहा है तो आपके अंदर क्या आ जाती है एक फैट की लेयर आ जाती है लेकिन वो वसा जो है वो किस रूप में नजर आता है तो वहां आता है आपका एडिपोज कौन सा आता है एडिपोज टिश्यू एक नाम आता है एडिपोज का तो जहां पर भी तुम्हें एडिपोज नाम दिखाई दे मतलब ये किससे संबंधित है ये वसा से संबंधित दिखाई दे रहा है एक भाग हम यहां बात करेंगे एरियोलर टिश्यू का ठीक है एरियोलर उतक का बात यहाँ पर हम करेंगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक बार देख लेते हैं कि हमारे जो एडिपोज टिश्यू हैं ये कहां पर पाए जाते हैं देखिए आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर इस प्रकार से छोटे छोटे से ये गोल गोल से क्या है वसा के वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं मतलब ये छोटे छोटे से वसा हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर आपके अंग के बीच में और आपके बॉडी में फैट और स्किन के बीच में एक लेयर बना देते हैं कि आपने बोला कि मैडम देखो ये हमारे पास बाहर का एक लेयर दिखाई दे रहा है ये हमारे अंदर के अंग है सारे के सारे इन दोनों के बीच में ये वाला जो भाग आया है ना ये जो पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हो इस हिस्से को कहते हैं कि ये वसा हमारा इकट्ठा हो गया है तो ये वसा किस रूप में आता है एडिपोज उतक के रूप में यहाँ पर आता है क्लियर है कि नहीं मैम आप इतनी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें बता रही हो और हमारी तो यहाँ बातें ही खत्म नहीं हो रही हैं कि रूपा बिहार में कहाँ से है अरे रूपा बिहार में कहीं से भी हो तुम्हारा पेपर नहीं निकला ना तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें जरूर भेज देंगे पता नहीं कहाँ तो इसीलिए पहले अपना ध्यान दे लो कि रूपा बिहार में कहा से रूपा तो बिहार से सिलेक्शन लेके चली जाएगी अपने पोस्टिंग पे और तुम शक्ल देखते रहना कि रूपा बिहार में कहा से थी हम अभी भी ढूंढ रहे हैं रूपा कहाँ चली गई रूपा की लग गई नौकरी बिहार में अपने रेलवे में नौकरी ले ली उन्होंने बढ़िया से ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है ये ध्यान नहीं देना है रूपा कहाँ से है इसीलिए तुम्हें माँ बाप ने कहा था कि जाओ रेलवे की तैयारी कर लो जाके पूछना रूपा कहाँ से है वहां हद करते हो यार तुम कहां से हो तुम आई थी नहीं आई थी यार बाकी टाइम में कर लिया करो फिर कहोगे मैम टिश्यू में समझ में नहीं आया समझ कहां से आएगा समझ में तो रूपा आ रही थी कार्टिलेज का काम जो होता है वही हमने देखा सॉफ्ट करने का काम करती है जहां जहां उपस्थित होगी सॉफ्ट कर देगी जैसे हमने नाक के टिप पे देखा और आपके ईयर पे देखा सपोर्टिंग वर्क है सपोर्ट कर रही है आपके हड्डियों के ढांचे का एक फ्रेमवर्क के अंदर सपोर्ट जो है वो देने का काम करती है डेली सुबह ये क्लास इसीलिए आपकी रोज सुबह ग्यारह बजे चलती है और रोज डेली हम आपको कुछ ना कुछ थ्योरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ कवर करा रहे हैं मगर हमारे धुरंधर है ये तो रूबा कहाँ से है चलो इधर

वसा के रूप में इकट्ठी हो जाती है तो वसा के सेल जब जुड़ जाते हैं ना तो वो एक टिश्यू बनाते हैं उस टिश्यू को हमने एडिपोज टिश्यू कहा है ठीक है उसी को हमने क्या नाम दिया है एडिपोज टिश्यू तो आप बता सकते हैं कि जहां पर हमारा फैट स्टोर होता है जहां पर हमारा वसा इकट्ठा होता है वो भाग होता है आपके त्वचा के नीचे ये याद रखना कि अगर बॉडी में एक अंग है और ऊपर की लेयर त्वचा है तो त्वचा और अंग के बीच में ये पाए जाते हैं इसकी पोजिशन पूछेगा तो आपकी त्वचा व अंग के बीच में ये उपस्थित होते हैं कौन से उत्तक हैं ये वसा के उत्तक होते हैं वसा के होते हैं तो बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन एंड योर स्किन तो इनके सेल्स जो होते हैं दे आर टिश्यू फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स इनके अंदर वसा जो है वो भरा हुआ होता है और इसीलिए हम इनको यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं ठीक है चलिए अच्छा एक चीज और कई बार आप ये देखते हो कि कोई व्यक्ति मोटा है बहुत ज्यादा मान लो उसके अंदर क्या है फैट बहुत ज्यादा है उसको ना ठंड कम लगती है ऐसा होता है और जो पतला व्यक्ति है उसे ठंड ज्यादा लगेगी मैम क्यों होता है ऐसा ये फैट हमारी बॉडी में एक इंसुलेटर का, का काम करता है इंसुलेटर मतलब हमें बचा रखता है कि हमारी बॉडी की हीट जो है वो बाहर ना जाए भाई एक बात बताओ इस व्यक्ति की बॉडी में ये अंदर के ऑर्गन्स हैं यहाँ बीच में एक और एक्स्ट्रा लेयर हमने फैट की लगा दी अब हीट को पास होने में पहले इस फैट की लेयर को भी पास होना पड़ेगा तभी तो शरीर की गर्मी बाहर की तरफ जाएगी लेकिन अगर ये फैट नहीं होगा तो मान लो कहीं पर फैट नहीं है तो आसानी से आपकी बॉडी से बाहर जो है वो हीट चली जाएगी इसीलिए जो व्यक्ति के अंदर फैट की लेयर थोड़ी ज्यादा होती है ना उनको ठंड जो है वो थोड़ी कम लगती है ये चीज भी यहाँ पर याद रखिएगा तो इसीलिए कहते हैं बॉडी को ना गर्म बनाए रखने में इंसुलेटर का काम भी है यहाँ पर कर रही होती है इंसुलेटर मतलब हीट को इजीली नहीं लेती है उनको गर्मी जो है अगर बात करी जाए ज्यादा लगेगी ठंड कम लगेगी तो ये आपका फैट इंसुलेटर का काम भी यहाँ पर करता है ठीक है चलो तो एडिपोज वर्ड लिखते हैं किसके लिए वसा के लिए एडिपोज लिखते हैं फैट के ग्लोब्यूल्स के लिए बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं जल्दी से बताओ भाई एक का साइन फटाफट शेयर करो क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर देना पहुंचा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वरना डेली सुबह ग्यारह बजे वाली क्लास जो है वो तुम्हारी मिस हो जाएगी समय याद रखो कि हमें साइंस का पोर्शन रेलवे के लिए कवर करना है तो रोज सुबह ग्यारह बजे गुरुकुल पे जुड़ जाना है चलिए अगली बात करते हैं है, मैम एक और टिश्यू हमारा स्पेशल होता है जिसको हम कहते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू देखिए एरियोलर वर्ड जो आया मैंने कहा ये ऊपर की लेयर है इधर सुनो भाई बात को ये ऊपर की आपकी त्वचा है और ये अंदर का हमारा जो भी अंग मांसपेशी दिख रही है वो नजर आ रही है इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बना रही है इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन बना रही है उसको हमने नाम दिया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ठीक है क्या नाम दिया है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू तो ये कहां पर उपस्थित है ये आपके त्वचा और मांसपेशी के बीच में मतलब स्किन के नीचे मांसपेशी आ रही है तो मांसपेशी स्किन के नीचे कोई रक्तवाहिका आ रही है ब्लड वेसल तो उसके साथ भी ये जुड़ी होगी मतलब इन दोनों के बीच में पाया जाएगा या फिर मैं कहूं कोई नस आ रही है कोई नर्व आ रही है तो इन दोनों के बीच में उपस्थित होगा या मैं कहूँ कि आपका कोई बोन मैरो दिख रहा है त्वचा के नीचे इन चारों में से अगर कोई भी नाम आता है तो इनके बीच के उतक को एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है ठीक है एरियोलर वर्ड स्किन डायरेक्टली ऑर्गन नहीं आ रहा कोई नस है कोई आपकी वाहिका है कोई धमनी है कोई शिरा है कोई मांसपेशी है कोई हड्डी का बोन मैरो वाला भाग है इन सभी चीजों को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि इनके बीच में इनके बीच में यहाँ कहीं पर भी क्या आ रहा होगा ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आ रहा होगा तो इसका काम क्या होता है कि हमारे अंगों के बीच में कुछ जगह अगर रह जाए ना किसी भी ऑर्गन के बीच में अगर कोई अगर कोई भी जगह रह जाती है तो उसको भरने का ये काम करते हैं आंतरिक अंगों को सपोर्ट करने का ये काम करते हैं आपके टिश्यूज को रिपेयर कराने का ये काम यहाँ पर करते हैं ठीक है वो जल्दी से ठीक हो जाए यहाँ पर ठीक है ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में ठीक है जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही पढ़नी है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगी आप वहां से अपना इसको नोट्स करके पूरा बना सकते हो लिख सकते हो क्लियर है चलो तो ये सारे मुख्य भाग थे जो हमने किसके देखे आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यहाँ पर देखे हैं जिसके अंदर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है फैट के कुछ ऐसे ग्लोब्यूल्स होते हैं ये पूरा वसा का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो कि वसा के जितने भी ये सब फैट के ग्लोब्यूल्स हैं और आपस में क्या है ये सब यहाँ पर एक दूसरे के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है यहाँ स्पेस भी हमें बहुत ही कम नजर आ रहा है इसीलिए व्यक्ति धीरे धीरे जब मोटा होता जाता है तो ये भाग जो है वो आपका यहाँ पर उपस्थित दिखाई देता है तो भैया ये पूरा का पूरा जो चार्ट है ये था कनेक्टिव टिश्यू का चार्ट। मुझे एक बार जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो कि चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई फटाफट से फिर कुछ सवालों को यहाँ पर करते हैं चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे ये पूरा का पूरा टिश्यू वाला भाग हमने पहले प्लांट के टिश्यूज भी पढ़े एनिमल के टिश्यूज भी पढ़ लिए हैं अब मुझे एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर से इस क्वेश्चन का आंसर बता देना और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपकी इन वोलेंट्री मांसपेशी कौन सी होती है ठीक है इसका नाम आपको बताना है इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू मसल वाला टिश्यू यानी कि अनैच्छिक रूप से जो कार्य करती है अनैच्छिक कार्य वाली पेशी उत्तक इसका नाम मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि भैया ये आपका होमवर्क का सवाल है और सभी के आंसर्स में देखने वाली हूँ कि ये ना हो कि मैडम फिर रूपा आ गई थी तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी है इजी भी है पढ़ के जाओगे तो वो नंबर वो मेरिट में सीट सब कुछ तुम्हारा होगा और अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम यही देखते रह जाओगे कि कहां कौन नंबर ले गया एक नंबर टिश्यू का छोड़ दिया था मैडम नहीं पढ़ा था दूसरा बैठा था सिलेक्शन ले गया पढ़ के उसको समझ में हर चीज आ गई थी ठीक है हाँ कल आप लोगों की जो वीडियो आई थी उसमें वैकेंसी वो फेक थी आरपीएफ वाली वो वैकेंसी जो आई थी वो फेक थी जैसे ही तुम्हारी अलग नई जो भी भर्ती आती है उसके ऊपर आपको तुरंत से अपडेटेड सूचना यहाँ पर दे दी जाएगी इसका आंसर आप लोग जरूर से करिएगा बाकी देखो आप में से जितने भी मेरे भाई बंधु यहाँ जुड़े हुए हैं सभी साथियों से मैं बोल दूं रेलवे का स्पेशल बैच ऑलरेडी आपका लाइव है आर विक्रमजीत एप्लीकेशन है अगर किसी ने डाउनलोड नहीं करी है तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से ये दो साल की वैलिडिटी का कोर्स है रेलवे का जो भी एग्जाम हो उसकी साइंस में आपकी इसमें शुरू कर चुकी हूँ लगभग एक टॉपिक सेल का आपका उसमें कंप्लीट आज ही जो चाहते हैं तैयारी करना वो आप लोग हमारे साथ इस बैच में जुड़ सकते हो बाकी डेली सुबह ग्यारह बजे आपकी क्लास यूं ही यूट्यूब पर चलती रहेगी ऑल राइट पीडीएफ कहां पहुंचा दूंगी रैंकस गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल पे तो जरूर से जुड़िएगा टिल देन मुलाकात करेंगे कल सुबह बजे और उससे पहले ये जो इवेंट लगा हुआ है इधर देख लो भैया ये जो इवेंट आप लोगों का ऑलरेडी लगा हुआ है कहाँ पर लगा हुआ है मैम यूट्यूब पर आ, एक सेकेंड मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ ये अनाउंसमेंट है और इसमें आज रेलवे वालों के लिए ही कुछ खास जो है वो आपका रहने वाला है तो आप लोग क्या कर लेंगे आप लोग इसको जरूर से नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे ताकि आप लोगों के पास इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहां पर मिल जाए देखो ये इवेंट आपका लगा हुआ है, स्पेशल, की जो भी है वो इसमें आपकी रहने वाली है ये नोटिफाई मी को ऑन कर लेना ताकि आपके पास जैसे ही रात को साढ़े आठ बजे लाइव आते हैं आपके पास नोटिफिकेशन जरूर से पहुंच जाए ऑल राइट चलिए जी तो मिलते हैं आपसे रात साढ़े आठ बजे तब तक के लिए थैंक यू सो मच